अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल यूट्यूब। और गाइस आप देख रहे हैं इस वक्त ज़की ग्राफिक। तो गाइस आज के ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ हाउ टू अप्लाई टू टैक्स टू कलर फॉर टैक्स। तो गाइस एक मेरे पास सिंगल कलर है और एक मेरे पास ग्रीटिंग कलर है। तो गाइस आप मेरा वीडियो को एंजॉय, और मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में और फुल एक्सप्लेन करके बताऊँगा कि आप टू कलर फॉर टैक्स जो है वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं एक ही टैक्स में। तो गाइस चले यहाँ पे कुछ टेक्स्ट जो है वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ स्टाइल टेक्स्ट लिख लेता हूँ। ओके लेट्स गो, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और इसका फॉन्ट जो है वो हम लोग चेंज कर लेते हैं। ओके लेट्स गो। तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने जो टेक्स्ट जो है वो इसको एक्सपेंड करना होगा। गो टू ऑब्जेक्ट एक्सपेंड। ओके तो गाइस अभी हमारे पास जो है वो सिंगल कलर है, ठीक है। तो इसमें मैं चाहता हूँ कि दो कलर जो है वो इसमें जो है वो ऐड हो जाए। अभी ये एक ग्रेडिंग कलर है, ये भी दो मिक्स है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जैसे कि मेरे पास ये रेड और मेरे पास ब्लू है, तो इसको जो है मैं अप्लाई करना चाहता हूँ इस पर। तो कैसे अप्लाई करना है वो सारा मेथड आप लोग को इसमें बताता हूँ। पहले तो मैं इसमें आपको बता देता हूँ, ये अगर इसमें इस तरह अगर मैं इसको फिल करता हूँ तो आप देख सकते हैं इसमें मिक्स जो है वो कलर हमारा जो है ग्रेडियंट कलर, इसको हम बोलते हैं, ये ग्रेडियंट कलर इसमें फिल हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि रेड ऊपर आ जाए और ब्लू नीचे आ जाए। जैसे कि इसमें मैं एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग को बता देता हूँ, जैसे कि ये है मेरे पास एक ऊपर, अगर इसमें मैं रेड फिल कर लेता हूँ। ओके और इसमें मैं ब्लू कर लेता हूँ। ओके गाइस तो अभी मेरे पास सिंगल है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इस तरह चाहता हूँ कि जैसे कि ये मेरे पास टैक्स है, ठीक है, एक टैक्स हो और मेरे पास टू कलर जो है वो इसमें अप्लाई हो जाए। जैसे कि ऊपर रेड आ रहा है और नीचे ब्लू आ रहा है, तो ऐसे ही मैं इसको कुछ अप्लाई करना चाहता हूँ। तो वो कैसे अप्लाई करना वो आप लोगों को मैं आज फुल एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं टू सिंगल कलर को एक ही टेक्स्ट में। तो चले एक को जो हम डिलीट कर लेते हैं और इसको हम ब्लैक ही रहने देते हैं। ओके दैट्स गुड। तो अब क्या करना होगा, एक इसमें हम एक लाइन लगा लेते हैं यहाँ पे। ओके क्योंकि अभी हमारे पास जो है वो अभी एक वन लेयर है, हम इसको टू लेयर बनाएंगे तो फिर जाके इसमें हम कलर को जो है वो फिल कर सकते हैं। तो अब इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ इस सारे को, यहाँ पे जो है वो लाइन को हम अलाइनमेंट कर लेते हैं। ओके थोड़ा सा लाइन को मैं नीचे कर लेता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं यहाँ पे। तो अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास टू लेयर्स बन जाए और ऊपर रेड आ जाए और नीचे ब्लू आ जाए। ओके गाइस तो चले इसमें क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं शेप ढूंढ लेता हूँ और इसकी मदद से जो है वो हम इसमें लेयर को कर लेते हैं गाइस। इसके पहले तो हम टू लेयर्स बनाएंगे, उसके बाद हम अपना टेक्स्ट जो है वो फिल कर सकेंगे। अब हमारे पास लेयर्स बन गई, अब इसको हम करेंगे डिलीट। या मैं ऐसे करता हूँ कि इसको जो है वो लेयर तो नीचे और इसको कर देता हूँ रिमूव। तो गाइस आप देख सकते हैं अब इसको करेंगे हम अनग्रुप पहले तो। ओके डेट्स गुड। अब मैं आप लोग को बता देता हूँ, ये आप देख सकते हैं कि मेरे पास टू लेयर्स जो हैं वो क्रिएट हो गई हैं। तो अब इसमें हम अपना कलर जो है वो बिल्कुल ईजी जो है इसमें फिल कर सकते हैं। तो बैक ले आते हैं अपने सारे टेक्स्ट को गाइस। ये बहुत ही इजी मेथड के साथ आप लोगों को जो है वो मैं बता रहा हूँ कि आप टू कलर को कैसे एक ही टेक्स्ट में जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो अब ऊपर हमने रेड करना है तो रेड को अप्लाई कर देते हैं और नीचे जो हमने ब्लू को करना है तो ब्लू को कर देते हैं। ओके डेट्स गुड। ये था मेरा पहला जो है वो आइडिया, और दूसरा सेकंड वाला मैं आपको बता दूँ। ऐसे ही आपने कॉपी कर लेना नीचे और अब ऐसे कर लें कि आप इसका उल्ट कर लें, जैसे कि इसको ऊपर वाले को ऐसे रहने देते हैं और नीचे यहाँ पे इसको हम कर देते हैं ब्लू और इसको हम कर देते हैं नीचे वाले को रेड। इस तरह भी आप अपना स्टाइलिश जो है वो बना सकते हैं। या मैं इसमें दो कलर और जो है वो ग्रेड कर लेता हूँ गाइस। तो चले इसमें कोई हम लोग कर लेते हैं ये वाला और इसमें मैं ब्लू रहने देता हूँ
यहाँ इसमें वाला रहने देता हूँ, ये इसमें कोई और कलर हम लोग फील कर लेते हैं गाइस, जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हमें नजर आए। इसमें डार्क ब्लू कर लेते हैं हम लोग, ज्यादा डार्क ब्लू कर लेते हैं। ओके दैट्स गुड। तो गाइस अब इस टेक्स्ट में जो है वो हम लोग कर लेते हैं ऊपर वाले में डार्क ब्लू और नीचे वाले में हम कर लेते हैं बहुत ही जबरदस्त जो है वो ग्रेट हो रहा है। इसको भी ऐसे ही आपने ग्रेट कर लेना है या इसमें ऐसे कर लो। इसमें जो है वो हम लोग ये वाला कर लेंगे। गाइस आप देख सकते हैं कितना जबरदस्त जो है हमारा टेक्स्ट जो है वो कितना स्टाइलिश और कितना जबरदस्त जो है वो ग्रेट हो गया। अगर आप ग्रेडिएंट कलर का यूज़ करना चाहते हो तो वो भी ऐसे ही आप, उसमें आपको ये लेयर नहीं बनानी पड़ेगी। वो आपने क्या करना, जस्ट आपने क्लिक करना और सिंपल इस पर आपने क्लिक कर देना तो आपका ये मिक्स कलर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो अभी हमने क्रिएट किया ये वन बाय वन और ये ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत हमें जो है स्टैम्प जो है वह लग रहा है। अगर इसको आप बैकग्राउंड देना चाहते हैं बैकग्राउंड भी दे सकते हैं, अगर आप इसको शेडो देना चाहते हैं तो शेडो भी दे सकते हैं। और शेडो कैसे देना वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसको सेलेक्ट करते हुए आपने इफेक्ट में चले जाना है और यहाँ पे आपको ड्रॉप शेडो मिल जाएगा और आपने क्या करना जस्ट इसमें क्लिक कर देना है और यहाँ पर आप इसकी जो है वो सेटिंग कर लीजिएगा अपनी मर्जी से। गाइस थोड़ा सा नीचे लेके आता हूँ और थोड़ा सा साइड में ले जाता हूँ। ओके दैट्स गुड। तो गाइस आप देख सकते हैं ये कितना ज़बरदस्त जो है वो शेडो भी इस पर कितना ज़बरदस्त जो है वो क्रिएट हो गया है। तो आई होप के इस रंग का टू कलर अप्लाई का टेक्स में, किसी भी टेक्स में टू कलर अप्लाई करने में आप लोगों को कोई भी टेंशन नहीं होगी। और आई होप के आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा और चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।